कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से नीलकंठ एवं हरिद्वार के लिए जाने लगे हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए यमुनानगर जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारियों ने बैठक करके कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि इस दौरान यमुनानगर जिला के सभी चौक चौराहों वे आने जाने वाले रास्तों पर लगभग 600 पुलिस के कर्मचारी एवं होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। तीसरी आंख से भी हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थानों से भी सहयोग लिया जा रहा है। संस्थानों से ये भी कहा गया कि वह बीच रास्ते में शिविर ना लगाएं। लगाएं जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील ना हो, जैसी कि हिदायतें हैं। इनग्रेस आउटग्रेस का, अंदर जाने का बाहर आने के रास्ते अलग अलग हों, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे ना हो। फायर फाइटिंग के लिए पानी, मिट्टी, CO2 वगैरह ये सब चीज़ें, कोई सिलेंडर विलेंडर, बाल्टियाँ, ये सब चीज़ें उपलब्ध हों। क्योंकि रात के समय भी यात्री चलते हैं तो आयोजक जो हैं शिविरों वाले, वो लोग लाइट इत्यादि का भी प्रबंध करें। जहाँ पे भी शिविर लगते हैं वहाँ के दोनों दिशाओं में थोड़ा पहले 100-200 मीटर पहले कोई साइनेज वगैरह भी लगा दें कि आगे शिविर है, ताकि गाड़ियों से चलने वाले लोग भी सचेत हो जाएं और किसी तरह का कोई दुर्घटना का अंदेशा ना बचे। इसके अलावा जो जो प्रशासनिक या टेक्निकल रिक्वायरमेंट हैं, कोई किसी तरीके की परमिशन अलग अलग चीज़ के लिए ली जानी है, उसके लिए हमारे सभी सेक्शंस एक्टिवेटेड रहेंगे। संबंधित अधिकारियों से जो भी परमिशन की दरकार है, मेहरबानी करके वो परमिशन ले लें, ताकि सब काम नियम कायदे कानून के अनुसार हो जाएं और किसी को भी कोई कष्ट ना हो, ना देखने वालों को, ना सुनने वालों को, ना चलने वालों को, ना विश्राम करने वालों को, ना सेवा करने वालों को। तो ये कांवड़ के मद्देनज़र जिला पुलिस के द्वारा इस संबंध में प्रभावी और माकूल इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की हमने हाल ही में बैठक भी ली है, जिसमें जिला उपायुक्त भी और विभिन्न विभागों के अधिकारी जो इस कांवड़ यात्रा से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं, जिनका अलग अलग कार्य हैं इस संबंध में, वो भी मौजूद थे। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के साथ वहाँ DGP साहब ने भी हमारी VC ली थी और उन्होंने भी विस्तृत मार्गदर्शन हमारा किया था, ताकि ये जो कांवड़ का पूरा जो कार्यक्रम है ये बड़े सुचारू रूप से अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए और किसी प्रकार से कोई दुर्घटना की संभावना भी ना रहे। हमने पिछले 10 साल का डाटा भी हमने एनालिसिस किया था और मोस्टली यही पाया गया था कि कोई कभी कभार कोई रोड दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो जाती है और उससे बाद में कभी एक बार विवाद बड़ा भी हो जाता है। तो सड़क पे जो है हमारे कांवड़ जो यात्री हैं वो आराम से कांवड़ ला करके गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुंच सके, उनको किसी प्रकार की कोई इश्यू ना आए, ये भी हम इंतजाम इस बार कर रहे हैं। जिला पुलिस की ओर से जब से कांवड़ यात्रा शुरू होगी तब से लेकर के समाप्ति तक कुल 600 पुलिसकर्मी लगभग तैनात इस दौरान रहेंगे और साथ ही हमने 20 जो मुख्य लोकेशंस हैं वहाँ पर हमने नाके लगाए हैं, ताकि वहाँ पर हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना या कहीं व्हीकल रुकवाने भी है तो उनको रुकवाए जाने की व्यवस्था ये करवाना है। साथ ही हमने 28 ऐसे बिंदु चिन्हित किए हैं जो थोड़े हमारे अनुसार क्रिटिकल हैं,